इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं वरीशा जुल्फ़िकार। सबसे पहले हेडलाइंस। सूरज आग बरसाने लगा, शिद्दत गर्मी से पसीने छूट गए। कराची में दर्ज हरारत 41, दादू छोर में 45 और लाहौर में 36 रिकॉर्ड किया गया। भारत रियासती दहशतगर्द कुलभूषण को बचाने के लिए धमकियों पर उतर आया। वजीर खारजा सुषमा स्वराज ने रॉयजन को क्लीन चिट दे दी, कहा सजा पर अमल हुआ तो पाकिस्तान को नतायज भुगतना होंगे। वजीर आजम नवाज शरीफ कहते हैं आजाद कश्मीर और लाइन ऑफ कंट्रोल पर OIC इंसानी हुकूक कमीशन की रिपोर्ट से दुनिया को आगाह किया जाए। बजट खसारा कम करने के लिए बजट कटौती का इम्कान, 3 सहमाइयों में तरक्याती फंड्स के इजरा का मुकर्रर हदफ पूरा ना हो सका। कराची के इलाके सोल्जर बाजार में स्कूल गिराने की तहकीकात महकमा इंसदाद दहशतगर्दी के सुपुर्द, SP ऑपरेशन मुनीर शेख इंक्वायरी और जिम्मेदार पुलिस अफसरान का तायुन करेंगे। लंदन में बड़े बड़े फ्लैट्स खड़े कर लिए गए, मुसल्ला दहशतगर्दी के अलावा मुआशी दहशतगर्दी भी हो रही है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की तनकीद। स्पॉट फिक्सिंग की ना किसी खिलाड़ी को उकसाया, मुअत्तल क्रिकेटर शाहजेब हसन ने इल्जामात मुस्तरद और ट्रिब्यूनल में जाने का फैसला कर लिया। और वनडे सीरीज का फैसला कुनमार का आज होगा। ग्याना में सजेगा मैदान, मद्दे मुकाबल होंगे वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान। मैच शाम 6:30 बजे शुरू होगा।